बैक सचिन गैलेक्सी गाइस। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं आज फूल गोभी और पोर्क, सुअर का मीट और फूल गोभी। तो गाइस आप हमारे साथ आगे तक वीडियो में बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। ये हमने पोर्क को बहुत अच्छे से धो लिया है, अब इसको हम कुकर में डाल के सीटी लगा देंगे लगभग 3-4, क्योंकि गोभी के साथ अगर सीटी लगाएंगे तो गोभी जो है हमारी वो हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको पहले सीटी लगा के निकाल लेंगे और गोभी को कढ़ाई में पकाएंगे, फिर दोनों को मिला के हम कढ़ाई में पकाएंगे। तो आप हमारी वीडियो में आगे तक बने रहे, देखते रहे। तो गाइस देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉईल करने के लिए, क्योंकि हम गोभी जब बनाएंगे गोभी पोर्क तो उसके अंदर भी ऐड करेंगे, इसलिए हमने अभी इसे थोड़ा सा नमक डाला हल्का सा, ताकि इसका अच्छे से स्मेल निकल जाए और अच्छे से बॉईल हो जाए। तो उसका ढक्कन लगा देंगे और 3-4 सीटी के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए जो हमने सीटी लगाई थी वो बहुत अच्छे से गल चुका है, अब इसको हम अपनी गोभी जो रेसिपी हमारी उसको तैयार करते हैं और इसको उसमें मिला देंगे। तो गाइस देखिए कढ़ाई में हम ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद अपने मसाले इसमें मिलाएंगे। तो गाइस अदरक और लहसुन हम ऐड कर देंगे, ये देखिए हमारा लहसुन का चटक रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई कर देंगे। इसको हमने कूट लिया था अदरक को और लहसुन को, तो गाइस प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। थोड़ा ऑयल हमारा जो पोर्क है इसमें से निकल जाएगा, इसलिए हमने कम ही ऑयल लिया है। ब्राउन करने तक इसको पकाएंगे। तो गाइस हमारी जो प्याज है बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च को हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे, मसाला बनाएंगे, उसके बाद हम जो ये हमारा हमने पोर्क जो बॉईल कर लिया था पोर्क को तब मिलाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर गोभी मिलाएंगे, मसाले को पकाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से। प्याज टमाटर जब मेल्ट होने लगेगा उसके बाद हम इसके अंदर अपना मसाले मिलाकर पोर्क मिला देंगे। तो गाइस देखिए मसाला हमारा जो है पक चुका है, इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा रखेंगे क्योंकि हमने बॉयल पोर्क के अंदर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी है ज़्यादा, और हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा कलर के लिए, कश्मीरी मिर्च से थोड़ा अच्छा कलर आता है तो इसलिए थोड़ा हम इस्तेमाल करते हैं कश्मीरी। आप भी कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी वीडियो में या आपके जो सब्जी है या मसाला है या कुछ भी है उसके अंदर अच्छा कलर आए। तो हम धनिया पाउडर अब ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला स्वाद के लिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। गाइस को अच्छे से मिलाएंगे, गाइस हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से पक चुका है, बन चुका है। इसके अंदर हम अपना पोर्क ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था, फ्राई नहीं बॉईल किया था, पोर्क इसके अंदर ऐड कर देंगे। बारी बारी से हम इसके अंदर अपने पोर्क ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया था। तो गाइज हमने बॉईल करके इसलिए बनाया है क्योंकि हम इसको गोभी जो कॉलीफ्लावर है वो और मीट हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंदर इसको बॉईल कर लिया था, क्योंकि गोभी को बॉईल नहीं कर सकते, गोभी तो फिर हलवा हो जाएगी। बहुत बढ़िया से मसाले में मिल जाएगा हमारा पोर्क, देखिए देखिए बहुत बढ़िया से मसाला हमारा पोर्क बहुत बढ़िया से पक रहा है। तो गाइस अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर अपनी गोभी को ऐड करेंगे।
गोभी को बहुत अच्छे से धो लिया है हमने। गोभी को ऐड करेंगे बारी बारी से, अपनी सारी गोभी जो भी हमने बनाई है वो सारी हम लाए जो, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो गाइस देखिए, ये बहुत ही एक स्पेशल रेसिपी होने वाली है। आप भी अपने घर में जो खाते हैं पोर्क, अपने घर में ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर देखिए, पानी तो हम ज़्यादा मिलाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि गोभी खुद पानी छोड़ेगी। देखिए गाइस, इसको हल्का सा हम वैसे पानी मिला सकते हैं अगर मिलाना चाहे, नहीं तो गोभी भी अपना पानी इसमें छोड़ेगी। तो हल्का सा मिला देते हैं पानी, ताकि अच्छे से, बिल्कुल जरा सा, मान लो 10-15 ml। अब इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो गाइस देखिए, गोभी बहुत अच्छे से गलने लगी है। देखिए गाइस, और गोभी हमारा बहुत टेस्टी बन रहा है, लगभग गल गया है। गोभी ने पानी भी छोड़ दिया है। तो गाइस बस 5-7 मिनट में हमारी जो तैयार हो जाएगी। अच्छे से गला लेते हैं गोभी को। बहुत बढ़िया। देखिए गोभी, गोभी पोर्क हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस हम इसको प्लेट में निकालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा पोर्क और गोभी बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी लग रहा है गाइस। तो गाइस हम इसको खाते हैं। आप जाइए, हमारी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो गाइस देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट। बहुत ही बढ़िया बनी है गोभी और पोर्क। टेस्टी।